मैं वीडियो बनाने के लिए जितने ज़्यादा अपने इंटरप्शन दूंगा मुझे लगता है मैं उतना ज़्यादा गड़बड़ा जाऊंगा, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इंटरप्शन देने में। मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है, मैं कैलिस्थेनिक्स एथलीट हूँ और मुझे इस फील्ड में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ ज़्यादा नहीं 3-4 महीने कंसिस्टेंटली मैं कर रहा हूँ और अब मैंने यूट्यूब पे वीडियोज डालना स्टार्ट कर दिया, लाइक देख ही रहे हो। और फिर मैं टाइम लगा रहा हूँ, फिर अटक जाऊंगा मैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे रिटेक ले चुका हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सिंगल गो में अपनी बात रख दूँ जो मेरे अंदर है और ज्यादा टाइम ना लूँ फॉर्मेलिटीज करने में। मैं देखता हूँ फॉर्मेलिटीज करते हैं लोग ज्यादातर तभी गड़बड़ा जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, बस बोल देते हैं। तो मुझे फॉर्मेलिटीज करने में अपना नुकसान नहीं करना, मैं रियल रहूंगा। चलते हैं, ब्रेकफास्ट मील दिखाता हूँ क्या खाता हूँ मैं इस बार। बिगिनर मैं कोई इतनी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं लेता कि मुझे बिल्कुल ही प्रोटीन इंटेक में बॉडी वेट की जस्ट हाफ मिल रहा हो मुझे या डबल, बट 2 अंडे 2 केले और नहीं ये अब यार 1 मिनट बताता हूँ। हाँ 100-200 ml दूध ओट्स के खाने के लिए, 1 कटोरी या 1 बाउल ओट, ठीक है, और 2 केले पोटेशियम और 2 अंडे। मैं चाहता हूं मैं कैमरे में देख के बात करूं, मैं देख क्यों नहीं पा रहा यार, मैं बोल भी नहीं पा रहा, नर्वसनेस खा रही है मेरे को, बताऊं सच बता रहा हूँ मैं नर्वस हो रहा हूँ अभी। क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि मैंने माइंड में ऑलरेडी ऐसा बना हुआ है कि मुझे अभी 100-200 लोग देख रहे हैं, मुझे पता है 20 से ज्यादा व्यूज नहीं आने वाले, मुझे पता है, बट वो स्टार्टिंग में होता है, सबको होता है। आगे बढ़ते हैं। पहले होता था कि मैं ओरियो शेक बनाता था, ओरियो शेक, बट ओरियो शेक में यार अब हर दिन 10 रुपए का ओरियो का पैक कौन खरीदे? अगर उस हिसाब से देखा जाए ना तो महीने में मतलब माचिस क्यों जला रहा हूं, मेरे पास लाइटर है, तो महीने में मतलब 300 रुपए हर दिन 10 रुपए महीने में 300 रुपए मेरे महीने के ओरियो शेक में जा रहा है 300 रुपए सोचो। और वही मैं अगर हर दिन 10 रुपए के 2 केले लूं तो वो ज्यादा फायदा करेगा 10 रुपए के बिस्किट के हिसाब से, तो इससे अच्छा है कि मैं ओटमील खाऊं इंस्टेड ऑफ कोई स्मूदी बना के पीऊं। स्मूदी में भी अपने फायदे होते हैं, बट वो तब होते हैं जब उसमें आलमंड, कैश्यूज, रेजिंस और न जाने क्या क्या। कोई भी बच्चा जो 14 से 18 साल के बीच में है और उसे उसका गोल है कि उसे अपनी ड्रीम फिजिक अचीव करनी है, तो उसको बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि उसकी ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी ऑन पॉइंट हो। तो अब हम बात किस बारे में कर रहे थे? मिल्क शेक के बारे में। अब मिल्क शेक के भी अपने फ़ायदे होते हैं, प्लस वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बट मिल्क शेक को बनाने के लिए लगता क्या क्या है? ओट्स, मिल्क, बनानाज,
ड्राई फ्रूट्स, वे प्रोटीन, आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं उसकी सबसे बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए, ठीक है। और उससे आपको आराम से अपने बॉडी वेट का हाफ या हाफ से ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। बट जो भी बच्चा जो 14 से 18 साल के बीच में है, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो महीने के 30 दिन के 30 दिन में सुबह शाम मिल्कशेक पी के अपना काम चला ले रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप बहुत ही इतना कुछ, आप बिगनर हो, आपको फिजिक चाहिए, आपको मेंटेन रहना है, एक शेप में आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रिजल्ट्स धीरे धीरे मिलेंगे, बट मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि आप फिर क्या लीजिए। आप ओट्स ले लीजिए, सिर्फ ओट्स, दूध, बनानास, और घर पे एक अंडे का क्रेट ले आइए, ठीक है। एक पैकेट ओट्स आराम से 15 दिन चल जाएगा। एक अंडे का क्रेट अगर आप डेली दो खाएं तो वो भी आराम से चल जाएगा 15 दिन, ठीक है। आप बनानास भी ऐड कर सकते हैं। एज अ बिगनर मैं खुद अभी मॉर्निंग और मेरी इवनिंग मील यही है, और मुझे मेरी रिकवरी भी ठीक ठाक हो जाती है। बट ये है कि आपको कंसिस्टेंटली ये करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने सुबह खाया और शाम को स्किप कर दिया, या कभी शाम को खाया और सुबह नहीं खाया। आप सुबह उठते उठते आपने सीधे लेट उठ रहे हो, आप 10-11 बजे हो, आपने सीधे फिर खाने का टाइम हो गया तो आपने लंच कर लिया। तो जल्दी उठिए, ठीक है, और चारों मील टाइम टू टाइम लीजिए। अभी एग्स को फ्राई होने में टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। इतना हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं आपस में। मेरे ये फर्स्ट व्लॉग है, व्लॉग समझ लीजिए, तो थोड़ा 19-20 हो सकता है, मतलब गड़बड़ इन द सेंस। मैं अभी एकदम प्रोफेशनल नहीं हूँ जितना मेरे से हो पाता है कि मैं ये कह रहा था कि यार मैं अपना बताता हूँ। अभी जैसे 3-4 महीने हुए हैं मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या हो पाता है कि फ्री स्टाइल। कैलिस्थेनिक्स में 4 कैटेगरीज होते हैं। पहला होता है आपका, पहला है, दूसरा कोई ऐसा नहीं होता, नाम बता देता हूँ, फ्री स्टाइल, स्टैटिक्स, और आपका स्ट्रीट लिफ्टिंग एंड एंड्योरेंस, ठीक है। तो अभी 4 महीने में मेरे से, मैं जितने टाइम से कर रहा हूं अभी तक फ्री स्टाइल में मेरा गेनर अनलॉक हुआ है, केवल गेनर। अब मैं जिस दिन मेरा थोड़ा फर्स्ट ब्लॉक है, 19-20 हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, डोंट माइंड, ठीक है। तो जिस दिन मेरा फ्री स्टाइल का सेशन होगा, वीक में 2 बार होता है, तो उस नेक्स्ट ब्लॉग में शायद मैं बताऊं, क्योंकि आज तो हमारा पुश है, तो मैं आज पुश करने वाला हूं। आप लोग देखोगे मैं पुश कैसे करता हूं, मैं क्या क्या करता हूं। तो जिस दिन फ्री स्टाइल का सेशन होगा मैं आपको बताऊंगा कि मैं गेनर किसे गेनर कह रहा हूं। ज्यादातर लोगों को पता होगा जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कनेक्टेड है कैलिस्थेनिक्स से उससे। तो यहां पर मेरा बनानास, ओट्स और मिल्क ये रेडी हो गया है, ठीक, और 2 हाफ फ्राइड एग्स, ये है मेरे, मेरा मॉर्निंग मील यही है, सुबह मैं यही खाता हूं।
डायनेमिक स्ट्रेचिंग हो गई है, अब बस एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज सबसे पहले मैं करने वाला हूँ डिप्स, तो डिप्स की मैं वार्म अप सेट लेने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा, फिर मैं 5 पुशअप्स करूँगा, उसके बाद सिंगल बार डिप्स एंड देन पुशअप्स। अब इसमें से मैं सिंगल बार डिप्स तो मैं बॉडी वेट के साथ करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं जो वेट लगाया करता हूँ वो है मेरे डिप्स और मेरे पुशअप्स। मैं वेट कितना लगाता हूँ, ऐसे मैं 10 केजी से आराम से कर लेता हूँ, मतलब लास्ट मंथ तक मैं आराम से कर ले रहा था, और इस बार मुझे थोड़ा डाउट है कि मैं मुझे शायद स्ट्रगल करना पड़े थोड़ा, इसलिए 10 केजी तो नहीं है बट ओवरऑल थोड़ी मोटी मोटी किताबें मेरे साथ थी मेरे पास, तो मैं अपने बैग में भर के ले के आ गया हूँ, और मैंने इनका वेट चेक किया था, टोटल 8 केजीज हैं ये, ठीक। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। हर सेट के बाद कम से कम 1.5 से 2 मिनट का ब्रेक लेना होता है, क्यों मतलब मैं लेता हूँ। हर बार ऐसा होता है कि कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे राइट हैंड साइड पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे कम आ रहा है। अब वो चाहे लेग्स क्यों ना हो, मैंने अभी अपना पाइप पुशअप्स का सेट चेक किया, वीडियो देखी मैंने, उसमें क्या है ना मेरे जो लेग्स, मेरे हैंड्स जहाँ पे हैं आगे और मेरे लेग्स का गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो गैप उतना नहीं रखना मेरे को, मुझे थोड़ा और कम करना है उस गैप को, ठीक है। और मेरे एल्बोज जो कि आउटवर्ड्स जा रहे हैं, इन्हें इनवर्ड्स ला रहा है मुझे, ठीक है। तो ये मेरे एक मिनट, मैं अभी ना बताता हूँ, रुक जाओ।
गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बिल्कुल हम तुम्हें सिखाएंगे ना, रुको अभी पहले आप लोग को नीचे लेके जाओ, फिर ऊपर आओ, ठीक पे करो, ठीक हाँ चलो अच्छा करो, चलो चलो करो 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 अच्छा करो, ये वाला सबसे मेहनती लड़का है, चलो इतना चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा गया कर लिया हो गया, चलो और चलो हाथ पे चलना, चलो मिलते हैं तुमसे अब, मैंने ना ये हो गया है ओवरऑल, बस एक सेट बचा है वो है पुशअप्स का, तो उसमें वेट ला के करूँगा, ये वो जो बैग रखा हुआ है मेरा, बस उसके बाद हम ये करने के बाद मेरा लास्ट कह रहे थे, इसको करने के बाद मैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग करूँगा, और वो करने के लिए मुझे जाना होगा, मेरे पास में एक साइट है डुप्लेक्स, तो उसमें ना एक बहुत ही वहाँ पर साफ सफाई है, तो वहाँ पे एक अच्छा सा पार्क है, उसमें भी ओपन जिम है, बट वहाँ पे जो वो है ना मशीन्स तो नहीं है, जो इक्विपमेंट्स हैं वो लाइक पुलअप बार बहुत नीचे है, डिप बार ठीक ठाक है, बट ओवरऑल ज़्यादा बेटर है, थोड़ा गंदा है बट मेरा काम हो जाता है यहाँ पे, तो मैं यहीं पे आता हूँ, तो बस अब ये पुशअप्स का सेट में सेट्स कम्प्लीट करके चलते हैं, बम फूट जाएगा देख के सारा
विंटर सीजन में ना ऐसे धूप में नींद ना लग जाती है यार। मेरा सच बता रहा हूँ, ये करने के बाद मेरा उठने के मन नहीं करता, मैं मन करता बस मैं फैला रहा हूँ ऐसे लेटा रहा हूँ बस। बट अभी थोड़ी बहुत बचे हुए अभी स्ट्रेचेस बचे हुए अभी। पुश सेशन कंटेंट बनाने की वजह से लाइक मैं अपना सेशन शायद और अच्छे से कर सकता था, थोड़े और इंटेंसिटी के साथ कर सकता था, बट ठीक है। वीडियो कैसी लगी मुझे फीडबैक जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके फीडबैक के वजह से मुझे पता चलेगा कि मैं कंटेंट बनाने में कितना अच्छा हूँ, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं कि मैं कैसा कर रहा हूँ। मुझे इवन ये भी नहीं पता कि मेरे एक्सरसाइज की जो फॉर्म थे वो ठीक थे या नहीं थे, ठीक ही थे, वो तो मेरा है, वो तो उसमें होना चाहिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ठीक ही थे। पाइक पुशअप्स में शायद थोड़े फ्लॉ होंगे, बट ये है कि अगर आप पाइक पुशअप्स है ना इम्प्रॉपर फॉर्म के साथ करते हो तो बहुत ही ईजिली कर पाओगे, मतलब ईजिली नहीं हो जाएंगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, बट पाइक पुशअप्स को अगर प्रॉपर फॉर्म के साथ करो, अच्छे से करो, तब पाइक पुशअप्स आपको बताता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। क्योंकि बिगनर्स के लिए पाइक पुशअप्स बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत हार्ड भी है, प्लस रीजंस हैं, बट पाइक पुशअप्स आई गेस इफेक्टिव है स्पेशली शोल्डर मूवमेंट के लिए। चलिए आप लोग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, कि कैसी लगी वीडियो, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। सब्सक्राइब टू माई चैनल। अबे यार वो तो आपकी मर्जी होगी, जल्दी आ, कालू आ गया। East and the West, racking up on my breath, power on me, I'm feeling just like a Tesla. Too much tree, the smoke is making my chest hurt. Girl on me, I'm thinking I should arrest her. I'm thinking I should arrest. All night long, she putting me to the test. Got a lot on, I'm trying to take out the rest. Cleaning up my lines, it's anything but the best. Hey girl, the cutest that I see. So bad, I'm not using my visine. Gotta get it like Leon, and I'm not icy. So beautiful, like it in my dreams. Hey boo, I'm hollering at you. Not rude, I'm just trying to be your dude. So what I gotta do is just see how that ass move. So beautiful, sorry to be cruel. Yo B, I'm making the next move. And no me, I'm nothing but just smooth. Low seats, I'm setting the right mood. All these other rappers, they talking, they just fool. Hey, I'm talking to just you. You talking to one dude. You rockin' with one dude. And if I get it right, then I'll turn off the lights soon. Hey girl, you wanna be my world.